बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और कहा है कि एका में अभी दलों की साफ स्थिति नहीं हो पाई है। कांग्रेस को 38 जिले में 38 लोगों की हैसियत नहीं है। आनंद कहते हैं कि बिहार कांग्रेस बोरो प्लेयर के हाथों फ्रेंचाइजी के तौर पर बिकी हुई है और काम है प्रोपगंडा करके पार्टी को मजबूत बताना। वे यही नहीं रुके, आगे सवालिया लहजे में पूछा कि अनिल शर्मा, सदानंद सिंह, रामदेव राय और पुराने कांग्रेसी की पार्टी में पूछ है क्या? कांग्रेस और राजद एक दूसरे को नीचा दिखाने में भी लगे रहते हैं। महागठबंधन में कौन है नहीं है यही तय नहीं है, किसको कितनी सीटें मिलेगी ये कौन जानता है। और फिर वैसे भी कांग्रेस इन दिनों फ्रेंचाइजी मॉडल पर बोरो प्लेयर के हाथों बिकी हुई है, तो प्रोपेगेंडा करके फ्रेंचाइजी को ये तो बताना ही है कि अब कांग्रेस नए मॉडल में बहुत मजबूत हो गई है, 80 सीटें मांग रहे हैं, 38 जिले में 38 आदमी है नहीं। और ये पुराने नेता अनिल शर्मा, सदानंद सिंह, रामदेव राय, ये लोग जो बोलते हैं, इन लोगों का कोई वैल्यू है? कोई पूछ रहा है? अब देखिए, कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के साथ रस्सा कस्सी करके ज्यादा सीटें बार्गेन करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।